हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी जानोगे कैसे एडसन पिन को वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा एडसन पिन जिसको अभी तक मैंने ओपन भी नहीं किया, तो अभी मैं आपको इसको ओपन भी करके दिखाने वाला हूँ और साथ ही लाइव प्रूफ में इसको वेरीफाई भी करके दिखाने वाला हूँ। आज के ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसको फटाफट ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। इसको तीनों साइड से यहाँ से आपको इसको निकाल लेना, तो यहाँ पर मैंने इसको तीनों साइड से निकाल रहा हूं। उसके बाद में ये साइड आपको इसको भी निकाल देना। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको पूरी तरह से ओपन कर लिया, अब इसको वेरीफाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कौन सा नंबर को एंटर करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं इस वाले नंबर को आपको एंटर करना है। तो कैसे करना है तो बने रहिए वीडियो को साथ और वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं गूगल एडसन पिन को वेरीफाई करने के लिए अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसमें आपने जो है एडसन अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने एडसन अकाउंट को ऑलरेडी लॉगिन करके रखा। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिला, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको जो लेटर दिया गया है गूगल एडसन पिन की तरफ से, उसमें जो 6 डिजिट का नंबर दिखाया था अभी मैंने, उस नंबर को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और दोस्तों अगर आपके एडसन के होम पेज में वेरीफाई का ऑप्शन नहीं शो हो रहा, तो यहाँ पर आप सभी इस लेटर में देख सकते हैं कि इसमें वेरीफाई करने का प्रोसेस भी दिखा रखा है। तो यहाँ पर मैं अभी दोस्तों यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है इस पिन को वेरीफाई। तो यहाँ पर मैं अपने 6 डिजिट पिन को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, 981873। तो यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो कि ग्रीन टिक लग चुका है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो मेरा गूगल एडसन पिन का वेरीफाई का प्रोसेस था वो कम्प्लीट हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपका एडसन पिन नहीं है तो आपको अपने एडसन अकाउंट में कैसे एड्रेस को फिल करना है, जिससे कि आपका जो एडसन पिन आपको आसानी से रिसीव हो सके।